दोस्तों अगर आप भी भारत की महिला टीम को सबसे खतरनाक टीम मानती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच में T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय टीम हार गई है। दोस्तों हम आपको पूरे सेमीफाइनल मैच का हाईलाइट दिखाएंगे, प्लीज़ वीडियो बने रहें, अंत तक देखें। दोस्तों उससे पहले आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है भारतीय टीम में, हरमनप्रीत कौर या ऋचा घोष। दोस्तों हमें बताना कमेंट बॉक्स में न भूलें। दोस्तों हम आपको बताते हैं जानकारी के लिए, भारतीय टीम ने पहले तो पाकिस्तान का नशा उछकाया, दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम ने आयरलैंड को हराया, दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड से हार गई। पर दोस्तों वहीं पर रेणुका सिंह ने उसी मैच में 5 विकेट लेकर दिखा दिया था कि भारतीय टीम गेंदबाजी में कितनी दम है। दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल जगह पक्की की और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों भारतीय टीम के और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मैच मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय टीम के कप्तान टॉस हार गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्ले करने का फैसला किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम ने 173 रन का लक्ष्य रखा भारतीय टीम के लिए, जो भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा है और सबसे खतरनाक है। में ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन मौनी ने 54 रन की पारी खेली 37 गेंदों में 7 चौके 1 छक्के की मदद से। दोस्तों वहीं पर लैनिंग ने नॉट आउट रहते हुए 34 गेंदों में 49 रन की पारी खेली 4 चौके 2 गेंदों छक्के के साथ। 18 गेंदों में 31 रन की गार्नर ने पारी खेली और 26 गेंदों में 25 रन की पारी खेली हेली ने। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन का लक्ष्य दिया भारतीय टीम को जब भारतीय टीम खेलने के लिए आई थी। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करते ही हैं समर्थी मंदाना और सैफ अली वर्मा। दोस्तों भारतीय टीम को लगातार 3 झटके लगने से भारतीय टीम बहुत खतरे में पहुंच गई थी दोस्तों, क्योंकि सैफ अली वर्मा मात्र 9 रन बना के आउट हो गई, स्मृति मंदाना 2 उसके भाटिया मात्र 7 गेंद में 4 रन बना के रन आउट हो गई। दोस्तों उसके पारी की पूरी जिम्मेदारी होती जैमिमा और हरमनप्रीत कौर पे। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने पारी को संभालते हुए 24 गेंदों में 43 रन की पारी खेली। जैमिमा ने 6 चौके में, हरमनप्रीत कौर ने 52 रन की पारी खेली 34 गेंदों में 6 चौके 1 विकेट में छक्के साथ। दोस्तों भारतीय टीम बहुत करीब पहुंच गई थी सेमीफाइनल के। दोस्तों वहीं पर दीप्ति शर्मा 20 रन की पारी खेली। दोस्तों बस सबसे बड़ी बात तो है सभी हरमनप्रीत कौर और जैमिमा के आउट होने से भारतीय टीम खतरों में पहुंच गई। वहीं भारतीय टीम को बहुत रन की जरूरत थी। दोस्तों वहीं पर भारतीय टीम ये सेमीफाइनल मुकाबला हार गई मात्र 5 रनों से। बहुत दुखी की बात थी क्योंकि भारतीय टीम को लास्ट ओवर में भी 16 रन की जरूरत थी, क्योंकि 16 रन भारतीय टीम नहीं बना पाई, मात्र 5 रन से दूर रह गई। दोस्तों भारतीय टीम का सफर खत्म हो गया। दोस्तों आप लोग कितने नाखुश हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूरता है। मैं भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबला हार के T20 के वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।